तो होता है ये है कि एक शिल्पकार रहता है, वो पत्थर से मूर्ति बनाने का काम करता है और ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी लाइफ से, अपने काम से, कि क्या मुझे जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा, क्या इससे कोई अच्छा काम नहीं है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उतनी सफलता नहीं मिल रही, मैं परेशान हो गया हूँ अपने लाइफ के स्ट्रगल से। और ऐसा सोचते 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 वो सो जाता है। अब जब वो सो जाता है तो उसके सपने में वो कुछ ऐसी चीजें देखता है जिससे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो सपने में देखता है कि वो एक बहुत बड़े अफसर के सामने खड़ा है और वो अफसर जो है वो लोगों से फिरौती ले रहा है और उसका घर बड़ा बनते जा रहा है, उसका घर भरते चला जा रहा है और उसका बहुत रुतबा है, बहुत ही अच्छा, उसके पास बैंक बैलेंस है, बहुत उसकी इज्जत है, लोग उससे डरते भी है, ऐसा बहुत सारी चीजें देखता है। तो वो अपने सपने में सोचता है कि भगवान खास आप मुझे ये अफसर बना देते, और उसके साथ ऐसा हो भी जाता है, वो अफसर बन जाता है। अब जब वो अफसर बन जाता है तो वो देखता है कि वो एक नेता के पास गया है और नेता के पास जैसे ही वो जाता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि नेता उसको रख के समझा देता है कि अफसर की कितनी वैल्यू है। तो अब उसको समझ में आता है कि अफसर से ऊंचा भी कौन है, नेता। तो अब ये नेता को समझता है कि नेता पावरफुल है, तो भगवान से बोलता है कि हे भगवान मुझे तो आप नेता बना दो। तो वो नेता बन जाता है। अब जैसे ही वो नेता बनता है बहुत फेमस हो जाता है। अब ये जाता है भाषण देने। अब जैसे ही भाषण देने जाता है कुछ देर बोल पाता है और सूरज की बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है और उस गर्मी के कारण वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही चेतना में वापस आता है, जैसे ही कॉन्शियस होता है, उसको समझ में आता है कि नेता से भी ज्यादा पावरफुल तो सूर्य है। तो वो भगवान से बोलता है कि भगवान आप मुझे सूर्य बना दो, मैं तो मस्त राज करूंगा। अब ये सूर्य बन जाता है। अब जैसे ही ये सूर्य बनता है ये बोलता है अब किसको सताऊं। तो देखता है एक किसान काम कर रहा होता है, वो इस किसान को झुलसाने की कोशिश करता है, उसको परेशान करने की कोशिश करता है अपने ताप से, लेकिन वो किसान परेशान नहीं होता है क्योंकि बहुत ठंडी हवा वहां पे चल रही होती है, वहां पे हवाएं चल रही होती है, तो सूर्य का जो ताप है वो उस हवा से प्रभावित हो जाता है। उस हवा से जब वो प्रभावित होता है तो उसको समझ में आता है कि यार सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल है ये हवा। तो वो भगवान से फिर से प्रार्थना करता है कि भगवान आप मुझे हवा बना दो। अब ये हवा बन जाता है। अब जैसे ही ये हवा बनता है ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में घूमने लगता है, बहुत ही अच्छी बयार चलने लगती है और बहुत अच्छे से ये घूमने लगता है। अब जब ये घूमने लगता है तो इसके सामने आ जाता है पहाड़, और जैसे ही पहाड़ आता है ये रुका हुआ सा महसूस करता है ये महसूस करता है कि कोई इसे रोक रहा है, क्योंकि पहाड़ जो विशाल पहाड़ होते हैं वो पवन के झकोरे को, पवन के फ्लो को भी रोक देते हैं। तो ये फिर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे अब आप पहाड़ बना दो। और ये जो व्यक्ति होता है ये पहाड़ बन जाता है। अब जैसे ही ये पहाड़ बन के एंजॉय करना चालू करता है इसे दर्द महसूस होता है, इसे दर्द महसूस होता है एक छेनी और एक हथौड़ी का, और वो देखता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसे अपने सामने एक शिल्पकार दिखाई देता है जो उस पहाड़ को तोड़ के एक मूर्ति गढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इतने में उसकी नींद खुल जाती है, वो चमक के उठता है और उसे रियलाइज होता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ये काम ही मुझे संतुष्टि देने वाला है, ये काम ही मुझे सक्सेस ला के देने वाला है, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, यही सही है। और वो अगेन अपने काम में लग जाता है, राइट। ऐसे ही हमारे लाइफ में है, हम लोग कई बार लोगों को देख के सोचते हैं यार ये इसका काम आसान है, इसके काम में बहुत पैसा है, इसके काम में बहुत समृद्धि, हमारे काम में कुछ नहीं रखा है। और कई लोग तो पैशन को छोड़ के, अपनी चीजों को छोड़ के सिर्फ सक्सेस के लिए, सिर्फ मनी के लिए दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं, जबकि उसको ये बात समझने की जरूरत है कि हर काम अच्छा है। वो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है अगर उसी में जी लगाए, मेहनत करे, तो एक ना एक दिन वो सफल हो जाएगा, वो समृद्ध हो जाएगा,
और यही हमें समझने की जरूरत है।